पत्नी बोली, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? चंपकलाल, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, वाओ तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? चंपकलाल, जिसको मिले उसकी पत्नी बेहोश। बॉस बोला, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम खाना बना रहे हो, तो तुमने वापस से फोन क्यों नहीं किया? एम्प्लॉय बोला, सर किया था, आपकी पत्नी ने बताया कि अभी आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो। बॉस बेहोश। कुछ लोग धन के नाम पे लड़ते हैं, कुछ धर्म के नाम पे, तो कुछ जाति के नाम पे। सिर्फ पति पत्नी ही है जो निस्वार्थ भाव से बेवजह लड़ते रहते हैं। रिश्तेदार बोले, और बेटा कैसे हो? लड़का, बस तबीयत थोड़ी खराब है। लड़के का भाई दिमाग भी, लड़की की बहन शक्ल भी, लड़के का बाप जिंदगी भी, लड़के की माँ हमारी किस्मत भी। शब्दों का कमाल तो देखो जनाब, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं देवियों और सज्जनों, तो करोड़पति बनने की उमंग जागती है। किंतु जब अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों और बहनों, तो करोड़पति भी थर थर कांपने लगते हैं। पति, अरे सुनती हो, कल मैंने यहाँ 500 की एक गड्डी रखी थी, उसपे हरे रंग का रबर लगा था, दिख नहीं रहा? पत्नी हरा रबर हाथ में देते हुए, यह लो तुम्हारी तो जान निकली जा रही है, इतने से मामूली रबर के लिए। पति बेहोश। प्रश्न था, चुनौती किसे कहते हैं? तो पप्पू ने सारे पेपर को खाली छोड़ के आखिरी पेज पे लिखा, हिम्मत है तो अब पास करके दिखा। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, तो पति भी कुछ तो होता होगा ना? कृपया अनुभवी लोग कमेंट में बताएं। पत्नी, हे भगवान, आपको चोट कैसे लगी? पति, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया। पत्नी, कैसे, क्या हुआ? पति, अरे मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, लाल बत्ती पे मैं रुकने वाला था कि दोस्त बोला शेर बन चलने दे। पत्नी, अच्छा तब लगी? पति बोला, नहीं नहीं हम निकल गए, फिर अगले चौक पे एक और लाल बत्ती थी, मेरे दोस्त ने फिर कहा शेर बन चलने दे। पत्नी, ठीक है तब लगी? पति, नहीं हम सिग्नल क्रॉस कर गए, फिर अगले चौक पे हरी बत्ती क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो गया। पत्नी बोली, क्या हरी बत्ती क्रॉस करते समय एक्सीडेंट कैसे हो गया? पति, अरे वो सामने से कोई दूसरा शेर आ रहा था। एक सच बात याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चलता है, मगर सांप जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी नहीं पता चलता है। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।